जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर है, और ये वीडियो जो है दोस्तों आपके यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम, यूपी पीजीएस एग्ज़ाम, यूपी बीईओ एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम और यूपी के जो अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। तो वीडियो को जो है मिस मत करना, पूरी वीडियो को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको जो है सरकारी योजनाएँ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वो कंठस्थ हो जाएंगी, एकदम पक्की हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हमारी पहली योजना जो है किसान सम्मान निधि योजना। जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका हम सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे। इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाना है और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसको? किसानों को। अभी जो है योजना है, इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ जो है दोस्तों, प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं चाहे किसी भी योजना हो वे सभी आपको याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है 3 किस्तों में, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपये। और जो इसके लाभार्थी हैं, पात्र हैं, वे कौन हैं? छोटे और सीमांत किसान, याद रखना है, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। कितनी भूमि है? 2 हेक्टेयर तक की भूमि। अब बात करते हैं कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये जो योजना है किसान सम्मान निधि योजना, 1 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आपको जो है जिस चीज़ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन चीज़ पर जो है बिल्कुल फोकस रखना है। तो इस योजना में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? एक तो 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में, पात्रता किनकी है? जो 2 हेक्टेयर तक भूमि रखते हैं, छोटे और सीमांत किसान। और जो प्रारंभ है इसका 1 दिसंबर 2018 को, और शुरू की थी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने, याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरी योजना की, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का जो पहला उद्देश्य की बात करेंगे हम, तो इसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, युवा स्वरोजगार योजना। अब इसके लाभ क्या है? तो लाभ जो है, जो युवा उद्यमी उन्हें जो है 25% सब्सिडी दी जाती है, यानी अधिकतम 50,000 रुपये की। और जो लाभार्थी हैं वे कौन कौन हैं? 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा, ये भी आपको याद रखना है। एक तो 25% की सब्सिडी, यानी 50,000 रुपये मैक्सिमम, 18-40 वर्ष की आयु के युवा पात्र हैं। और जो योजना प्रारंभ हुई थी वो 2016 में हुई थी राज्य सरकार के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के द्वारा, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वो आपके राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ जो है हमने जो है 3 चीज़ों को पढ़ा, एक तो 25% सब्सिडी, अधिकतम 50,000 रुपये की जो सब्सिडी दी जाएगी, और लाभार्थी 18-40 वर्ष, और योजना शुरू हुई 2016 में। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है दोस्तों, उद्देश्य की बात करें अगर, तो स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खुले में शौच मुक्त और ODF भारत बनाना, तो ये इसका उद्देश्य है। और जो लाभ है इसका योजना का, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता सुविधाओं का विकास।
तो शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता सुविधाओं का विकास जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बनाए जाते हैं। और जो इनके लाभार्थी हैं वे देश के सभी नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। और जो ये स्वच्छ भारत मिशन योजना है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में शुरू हुआ था। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण करवाएंगे और स्वच्छता सुविधाओं का विकास करेंगे। और ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है, और यह याद रखना है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये थी आपकी तीसरी योजना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना। एक बात का याद रखना है आपको जो है, इसमें नाम से ही पता चल जाएगा, जहाँ भी मुख्यमंत्री के बारे में दी जाएगी वो तो होगी राज्य सरकार की, और जहाँ बात की जाएगी प्रधानमंत्री के नाम से, ये जैसे किसे देख लीजिए प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, तो प्रधानमंत्री की होगी तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाएगी, और मुख्यमंत्री का नाम दिया जाएगा तो वहाँ पर राज्य सरकार होगा। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई थी, और इसका उद्देश्य जो है दोस्तों गरीब परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। और जो इसका लाभ है वो क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और जो इसके लाभार्थी हैं पात्र हैं वे आर्थिक रूप से कमजोर, EWS, निम्न आय समूह LIG वाले और मध्यम आय समूह MIG के लोग इसके लाभार्थी हैं, पात्र हैं। तो कौन कौन पात्र हैं इसके? EWS वाले, निम्न आय समूह वाले और मध्य आय समूह वाले। और जो इस योजना का प्रारंभ हुआ था, PMAY योजना का, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PMAY, आप कंफ्यूज मत हो ना, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यह शुरुआत हुई थी इसकी 2015 में, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य की बात करें अगर, तो इसका उद्देश्य है बच्चों के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक सेवाओं को प्रदान करना। और जो इसका लाभ है वो है पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और जो इसके लाभार्थी हैं, मतलब जिनको लाभ दिया जाता है इस योजना का, वो है 0 से लेकर, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनसे लेकर 18 वर्ष के बच्चे, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे, ये इसके लाभार्थी हैं। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ये आपको याद रखना है 0 से 18 वर्ष के बच्चे, और प्रारंभ हुआ था 2018 में, ये भी आपको याद रखना। दोस्तों कोई सी भी योजना हो उनसे जो है मोस्टली 3 ही चीज़ पूछी जाती हैं, एक तो लाभार्थी, एक दूसरा प्रारंभ, एक जो है लाभ क्या होते हैं, और उद्देश्य भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है ये 3 4 चीज़ ही याद रखनी है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों एक जनपद एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है दोस्तों प्रत्येक जनपद यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना और स्थानीय आर्थिक विकास प्रदान करना। विशिष्ट उत्पाद का मतलब है दोस्तों, मान के चलिए आपके जिले में सेब फेमस है, मतलब कोई अलग स्पीसीज है सेब की, तो उस स्पीसीज को जो है बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है, एग्जाम्पल के लिए। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है। तो इस योजना से जो है उत्पादों के विपणन में सहायता मिलती है, तकनीकी और वित्तीय समर्थन भी मिलता है, तो ये इस योजना का लाभ है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका लाभार्थी कौन है, बात करें अगर, तो
तो इसके लाभार्थी हैं स्थानीय उत्पादक, कारीगर और लघु उद्योग। यानी कि जो स्थानीय उत्पादक हैं, भाई कोई ना जुगा रहा है, कारीगर कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई लघु उद्योग है, कोई माचिस बना रहा है, पटाखे बना रहा है, हालांकि पटाखे नहीं कहेंगे, ये थोड़ा वैसा हो गया, कोई माचिस बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, तो इस तरह से ये इसके लाभार्थी होंगे। जो ये एक जनपद एक उत्पाद योजना है वो 2018 में शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो 2018 में शुरू की गई, ये याद रखना है। स्थानीय उत्पादक, कारीगर और लघु उद्योग इसके लिए लाभार्थी है और लाभ इसका आपके सामने है। और उद्देश्य जो है विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना, ये इसका है। स्थानीय आर्थिक विकास भी करना है इसका उद्देश्य। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आंगनवाड़ी सेवाएं। आंगनवाड़ी जो सेवाएं हैं दोस्तों, उसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण, कहीं के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर करना है, यानी बेहतर बनाना है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। और जो इस योजना का लाभ है आंगनवाड़ी सेवाओं का, उसमें क्या होता है, मुफ्त भोजन मिलता है, मुफ्त शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है मुफ्त, और पोषण संबंधी जानकारी भी मुफ्त मिलती है। अपने आसपास भी जहाँ आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी जो जो कार्यकर्ता होते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, वे सफ़ेद साड़ी में, वे उसके लिए जो है काम करती हैं। और जो इस योजना के लाभार्थी हैं, पात्र हैं, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं। ये आपको याद रखना है कि जो लाभार्थी हैं आपको याद रखना है, चाहे कोई सी भी योजना हो। मुख्यमंत्री बाल विकास योजना में 0 से 18 साल के बच्चों तक था, और आंगनवाड़ी सेवाओं में जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। और जो ये योजना है दोस्तों, आंगनवाड़ी सेवाएं की योजना है, ये 1975 1975 में शुरू की गई थी। आप देख सकते हैं कि ये योजना जो है कितनी पुरानी है। अब बात करते हैं दोस्तों महिला शक्ति योजना की। जो महिला शक्ति योजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रमों को संचालन करना, इसका उद्देश्य हो गया। जो लाभ है इस योजना का, इसमें महिलाओं की शिक्षा के बारे में, कौशल विकास के बारे में, वित्तीय सहायता के बारे में और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इसका लाभ मिलता है। और जो लाभार्थी हैं वह मुख्य रूप से सभी महिलाएं, विशेष रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। और जो महिला शक्ति योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2017 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे उद्देश्य की। तो इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम उद्योग योजना। इसका जो लाभ है दोस्तों, ये वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सहायता देना है, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना। और ये जो योजना है दोस्तों, ये राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी, जैसे कि हमने बताया था, मुख्यमंत्री यहाँ पर दिया गया है, तो ये राज्य सरकार की होगी। जो मिशन शक्ति योजना थी वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लाभार्थी की। तो लाभार्थी जो है इसके ग्रामीण उद्यमी और कारीगर हैं, मतलब कि जो ग्रामीण में उद्यम लगाए गए हैं, बिजनेस स्टार्ट किए गए स्टार्टअप, और कारीगर जो है इसके लाभार्थी। और जो मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2018 में शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य जो है दोस्तों इसका, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर बढ़ाना, ये इसका योजना का उद्देश्य है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का। और जो इसका लाभ है वो ये है, कौशल विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और रोजगार मेलों का आयोजन, ये इस योजना का जो लाभ है। आपने देखा भी होगा कि जो आपके आसपास जो आईटीआई कॉलेजेस हैं उनमें जो है इस तरह के रोजगार मेले लगते हैं, प्रशिक्षण केंद्र भी लगते हैं। और जो इस योजना के लाभार्थी हैं उनके वे 15 से 45 वर्ष 45 ईयर्स के युवक युवतियाँ इस योजना के लाभार्थी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रारंभ हुआ था इस योजना का, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन का 2016 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हम जो है अभी तक 10 योजनाओं को कवर कर चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये बताइए कि वीडियो फ़िलहाल अभी तक की आपको कैसी लगी है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अच्छी बनी है, मटेरियल कैसा है। और अगर मैं जो वीडियो है मटेरियल आपको अच्छा दिया गया है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आपके जो आपके ग्रुप होगा, मतलब ज़्यादातर बच्चों ग्रुप बना होता है, उसमें ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं उनकी जो व्यूज़ बढ़ें और हम जो मोटिवेट हों और इस तरह की वीडियो और लेकर आपके लिए आए। अब ये तो होगी हमारी बात, अब बात करते हैं वीडियो की नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है उसका उद्देश्य की बात करेंगे पहले तो। इसका जो उद्देश्य है वो बेरोजगारी को कम करना, हालांकि अभी तक दूर तक बेरोजगारी कम नहीं हुई है, और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो ये इसका जो है उद्देश्य हो गया। और जो लाभ है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का, वो 25% तक की सब्सिडी और ऋण सुविधा देना है, और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी और ऋण सुविधा दी जाएगी, किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। और जो लाभार्थी होंगे वो होंगे आपके 18 से 45 वर्ष के युवा और महिलाएं, ये इसके लाभार्थी होंगे। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था आपका 2020 में। आपको जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तो डेट, एक इसके लाभार्थी कौन है और इसके जो लाभ क्या है और उद्देश्य क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई सी भी योजना हो और चाहे आप कुछ करें या ना करें, इन चार चीज़ों को तो जो आप जो है ध्यान में रखें, इससे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास योजना। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस योजना के उद्देश्य की। तो इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना, इस योजना का उद्देश्य है। राज्य सरकार द्वारा यह चलाई गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश नाम दिया गया शुरू में ही, या मान लीजिए मध्य प्रदेश दिया हुआ होता तो जब भी राज्य सरकार है, अगर राष्ट्रीय दी गई होती, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास योजना, तो जैसे कि आप सबको पता चल रहा है केंद्र सरकार की योजना है। और जो इस योजना का बात करते हैं लाभ की, तो उसमें जो है टैक्स छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी दी जाती है, ये इस योजना के लाभ हैं। और लाभार्थी कौन है? ये लाभार्थी जो है दोस्तों इसमें उद्योगपति हैं, स्टार्टअप हैं और छोटे उद्योग वाले जो बिजनेसमैन हैं, वे इसके लाभार्थी हैं। और जो ये योजना है उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड औद्योगिक विकास योजना, जो प्रारंभ हुई थी 2017 में, 2017 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कागज रहित योजना। सबसे पहले हम बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य जो है सरकारी कार्यों को डिजिटल बनाना और कागज के उपयोग को कम करना, उद्देश्य आपको जो है पता ही चल गया इसका, कागज के उपयोग को कम करना और सरकारी कार्यों को डिजिटल बनाना।
और जो लाभ है वो है डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और रिकॉर्ड प्रबंधन, ये इसका लाभ है। और जो लाभार्थी हैं वो सरकारी विभाग और आम नागरिक जो है इसके लाभार्थी हैं। यानी कि जब आप सपोज कीजिए कि अगर कागज़ पर होगा, मतलब कोई चीज़ कागज़ पर होगी कार्यालय में, तो आपको जब कार्यालय में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वही चीज़ डिजिटल मतलब कंप्यूटराइज हो गई, ऑनलाइन हो गई, तो उसको जो है आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना, आप जो है घर बैठे भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना के प्रारंभ की। तो मुख्यमंत्री कागज रहित योजना जो है 2020 में शुरू की गई थी। तो लाभार्थी कौन है? सरकारी विभाग और आम नागरिक 2020 में शुरू की गई, केंद्र सरकार वो सॉरी राज्य सरकार द्वारा की शुरू की गई, राज्य सरकार। और जो उद्देश्य है सरकारी कार्य को डिजिटल बनाना और कागज के उपयोग को कम करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट उज्ज्वला योजना की। जो उज्ज्वला योजना है दोस्तों, इसमें गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किया जाता है, ये इसका उद्देश्य है। और जो लाभ है स्वच्छ ईंधन उपलब्धता और स्वास्थ्य में सुधार, ये इस योजना का लाभ है। और जो इसके लाभार्थी हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जो BPL परिवार हैं यानी बिलो पावर्टी लाइन, जो BPL कार्ड वाले लोग होते हैं वे इस योजना के अंतर्गत आते हैं उज्ज्वला योजना के। और जो उज्ज्वला योजना है दोस्तों, ये 2016 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई वीडियो तो है उत्तर प्रदेश की योजना है, भाई जो योजना है केंद्र सरकार ने बनाई है ना, वो भी जो है हर मतलब कि देश के हर राज्य पर लागू होती हैं। तो जो योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई है वो तो आपके सामने हमने दी ही हैं, जो योजनाएं केंद्र सरकार की आती है वे भी हमने इसमें इंक्लूड की है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पोषण अभियान की। जो पोषण अभियान है उसका उद्देश्य है बच्चों और माताओं के पोषण में सुधार करना है। लाभ जो है पोषण संबंधी शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और नियमित निगरानी करना, इस योजना का लाभ है। और जो पोषण अभियान की जो लाभार्थी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा वो हैं गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, नवजात बच्चे जिनका भी जन्म हुआ और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी गर्भवती महिलाएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसके लिए लाभार्थी हैं। और जो पोषण अभियान का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 2018 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री समृद्धि योजना। तो इसका सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करेंगे। तो इस योजना का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। लाभ जो है वित्तीय सहायता, कौशल विकास और रोजगार के अवसर हैं। जो लाभार्थी हैं इसके वो हैं गरीब और कमजोर वर्ग के लोग। और जो इस योजना प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री समृद्धि योजना का वो 2017 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों श्रमिक सुरक्षा योजना। श्रमिक सुरक्षा योजना जो है इसका उद्देश्य की बात करेंगे। इसका जो उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना। असंगठित का आप ध्यान रखना, संगठित और असंगठित श्रमिक कौन क्या होते हैं। संगठित श्रमिक वे होंगे जैसे किसी कंपनी में लगे हुए हैं, किसी सरकारी जॉब में है, किसी प्राइवेट जॉब में है। और जो है असंगठित श्रमिक होते हैं ना भाई, जैसे किसान हुए, ये असंगठित श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए। और जो इस योजना का लाभ है वो स्वास्थ्य बीमा असंगठित श्रमिकों को, दुर्घटना बीमा और वित्तीय सहायता प्रदान करना,
इस योजना का लाभ है। और लाभार्थी जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जैसे जिनके बारे हम आपको बता ही चुके हैं कौन होते हैं। और जो प्रारंभ है श्रमिक सुरक्षा योजना का 2018 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर किसान योजना। तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर किसान योजना है ये, इसका उद्देश्य जो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, जैसे कि नाम से पता चल रहा था, और कृषि उत्पादन में सुधार करना है। और जो लाभ है इसका वो कृषि उपकरणों की सब्सिडी, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका लाभ है। और जो लाभार्थी हैं वे सभी प्रकार के किसान इसके लाभार्थी हैं। और इस योजना का जो प्रारंभ है 2021 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर किसान योजना का जो प्रारंभ है 2021 में हुआ था, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों गौ माता योजना। जो गौ माता योजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य गौ संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। और जो इस योजना का लाभ है वो है कि गौशालाओं के लिए वित्तीय सहायता और गौवंश के स्वास्थ्य सेवाएं देना है, ये इसका लाभ है। और जो लाभार्थी हैं वे कौन कौन है, एक तो गोपालक हैं जो गाय पालते हैं, और एक गौ सेवक जो गाय की सेवा करते हैं। और गौ माता योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो 2019 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लाभ जो है वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। और जो इसकी लाभार्थी हैं वे महिला उद्यमी और कमजोर वर्ग की महिलाएँ इस योजना की लाभार्थी हैं। और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है दोस्तों 2022 में शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है 2022 में। इसी के साथ जो है दोस्तों ये हमारी जो इम्पोर्टेंट 20 योजनाएं थी वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमने जो है वीडियो को इसी उद्देश्य बनाया है कि आपको ये पसंद आए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर और बेहतर साबित हो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी ये तो थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिक्स, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी योजनाओं को लेकर होगी, जो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है उसको लेकर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं लगी हो ना करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।